अगर अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में लाइक्स एंड कमेंट्स बढ़वाना चाहते हो तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटल 6 टिप्स देने वाला हूँ दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इंस्टाग्राम इंगेजमेंट। हे गाइस, प्रथम ईयर वेलकम टू दी सोशल बीइंग। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू रैंक ऑन हैशटैग्स। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू कि अपनी इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, अपनी पोस्ट में लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर्स कैसे बढ़ाएं ताकि वो हैशटैग में रैंक कर सकें। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेकिन अगर उसके पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को मिस ना करो। तो पहली टिप पे आते हैं, दैट इज़ फुल्ली ऑप्टिमाइज योर पोस्ट। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो आ रही होगी, उसको देखो। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझो। लाइक ये मेरी एक रीसेंट पिक्चर है जो मैंने अपनी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम में। देखो सबसे पहली चीज़ क्या किया है मैंने ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, सबसे पहले मैंने अपना एक लोकेशन लगाया है, जो फ़ोटो जिस लोकेशन की है मैंने वो लगाई है, लाइक ग्रीन सिटी शेड्यूल मैंने वो लोकेशन लगा दी है ताकि कोई भी अगर इस लोकेशन के बारे में देखे तो उसे मेरी पिक्चर मिल सके। लाइक देखो यहाँ पे मेरी पिक्चर है, तो अगर कोई आएगा तो उसको शायद ये पिक्चर दिख जाए एंड उसको एक अच्छी लगे तो वो मुझे फॉलो कर सके। पहली चीज़ होगी लोकेशन। सेकंड चीज़ मैंने क्या की, मैंने देखो टैग किया हुआ है, मैंने किसको टैग किया है, मेरा खुद का टैग है, मेरी सेकंड आईडी टैग है, उसके अलावा जितने भी मेंस फैशन से रिलेटेड लोग हैं मैंने उन्हें टैग किया है। तो अगर कोई उनके टैग्स में जाता है एंड अगर कोई मेरी फ़ोटो देखता है उसे अच्छी लगती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई मेरे प्रोफाइल में आएगा और मुझे फॉलो भी कर देगा। तो सेकंड चीज़ होगी मैंने टैग्स यूज़ किए हैं। थर्ड चीज़ दैट इज़ मैंने देखो कैप्शन अच्छा लिखा हुआ है, मैंने एक माइक्रो ब्लॉग टाइप का कैप्शन लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी उठपटांग नहीं कि 2-3 इमोजी डाले हूँ, नहीं मैंने एक पूरा कैप्शन लिखा हुआ है जिसे लोग रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने एक पूरा कैप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ मैंने हैशटैग्स का यूज़ किया है, मैंने अपने जो हैशटैग्स हैं वो यूज़ किए हैं जिसके कारण मेरी पोस्ट की रीच बढ़ी होगी। देखो रीच इज़ 5835, ठीक है, तो हैशटैग्स के थ्रू मेरी रीच बढ़ी। तो एक तरीके से मैंने जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें यूज़ करनी चीज़ चाहिए वो मैंने यूज़ की ताकि मेरी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूसरी टिप है, अगर अपनी पोस्ट में कमेंट्स बढ़वाना चाहते हो तो ट्राई करो अपनी पोस्ट में कॉल टू एक्शन ऐड करने का। जैसे कि अपनी जो कैप्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछो या फिर आपने जो कैप्शन लिखा है उससे रिलेटेड कुछ पूछ लो ताकि लोग कमेंट्स में उसका आंसर करें। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप उनसे कोई भी एक एमोजी ड्रॉप करने के लिए बोल सकते हो। जैसे मैंने ये रील्स है मेरी, इस पर मैंने नीचे लिखा था इफ़ यू लाइक्ड इट ड्रॉप अ हार्ट एमोजी। इससे क्या हुआ कि जिनको अच्छी लगी रील्स उन्होंने मेरी कमेंट सेक्शन में हार्ट एमोजी को ड्रॉप किया था, तो इससे आपके कमेंट्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिक। ट्राई करो कि उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने का और कोई एक टॉपिक पे बात स्टार्ट करने का ताकि आपके जो कमेंट सेक्शन है उसमें लोग कुछ ना कुछ बातें करें एंड आपके कमेंट्स बढ़ें। थर्ड चीज़ है रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स। जब आप कुछ पोस्ट करते हो तो इसका स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टाग्राम में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है अबाउट इंस्टाग्राम एल्गोरिथम तो उसे देख लेना, यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या है कि इंस्टाग्राम आप जब कुछ भी पोस्ट करते हो तो स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स देखता है कि आपकी पोस्ट में इंगेजमेंट कैसा आ रहा है। अगर इंगेजमेंट अच्छा होता है तो वो आपके और ज़्यादा फॉलोवर्स को दिखाता है एंड अगर वो भी अच्छे से रिप्लाई कमेंट सब कुछ करते हैं तो वो और आपके ट्रेंडिंग पेज में आपकी पोस्ट को लेके जाता है या फिर हैशटैग के टॉप में लेके जाता है। लेकिन अगर आपकी पोस्ट में कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम इवेंचुअली उस पोस्ट को लोगों को दिखाना बंद कर देता है, कम कर देता है एंड धीरे धीरे करके उसकी रीच कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मान के चलो स्टार्टिंग में आपकी पोस्ट में 10 कमेंट आए, आपने उन 10 कमेंट का रिप्लाई कर दिया तो 10 आपने कमेंट्स का रिप्लाई किया तो वो 20 हो जाता है। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये देखेगा कि आपकी पोस्ट में टोटल 20 कमेंट्स हैं तो उसे लगेगा कि लोग इसमें इंगेज कर रहे हैं एंड वो आपकी पोस्ट को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। इससे एक और चीज़ होती है कि आपकी पोस्ट में जिन्होंने कमेंट किया आप अगर उनका रिप्लाई करते हो तो एक तरीके से आपके बीच में एक बॉन्ड बनता है, आप चाहो तो वहाँ पे कुछ बातें स्टार्ट कर सकते हो उनसे। लाइक जिस मैंने बोला था पिछले में कि ऐसा कैप्शन डालो जिसमें वो किसी चीज़ का आंसर दें तो आप उससे कुछ उनसे बात कर सकते हो, तो आपके बीच में एक बॉन्ड बनेगा ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम पोस्ट करोगे तो वो लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे उसमें। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोस क्रिएट करने का, अगर आप इंस्टाग्राम में ग्रो करना चाहते हो या फिर यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हो वो वीडियोस आपको दोनों में हेल्प करेंगी। लाइक मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियोस क्रिएट करने का, लाइक बेस्ट माइक फॉर बिगनर्स,
एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करना है वीडियो एडिटिंग के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, या फिर कैमरा अंडर 50K, बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस क्या है, मैं कुछ इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस टॉपिक पर भी वीडियोज़ लाने का। फोर्थ टिप है बेस्ट पोस्ट टाइम। हमेशा अपनी पोस्ट को उसी टाइम पे अपलोड करो जब आपके फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पोस्ट में स्टार्टिंग में जितनी लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंस्टाग्राम उस पोस्ट को और ज़्यादा प्रमोट करता है। तो अगर आप अपनी पोस्ट को रात को 2-3 बजे अपलोड करोगे या फिर रात को 12 बजे भी अपलोड करोगे तो उसमें कोई भी लाइक या कमेंट नहीं करेगा, अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कम होगा। उससे ये होगा कि इंस्टाग्राम को लगेगा यार ये पोस्ट अच्छी नहीं है, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक उसकी रीच गिरा देगा। ट्राई करो कि तब पोस्ट करो जो आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स एक्टिव हो एंड वो आपकी पोस्ट में इंगेज करें। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे पता चलेगा, तो आपको अगर बिजनेस प्रोफाइल है आपकी तो आपको एनालिटिक्स में ये शो करता है, लाइक यहाँ पे देख लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ, आपको एनालिटिक्स में शो करता है कि आपके फॉलोअर्स किस टाइम पे कितने एक्टिव होते हैं। लाइक अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं मोस्टली रात को 9 बजे के आसपास पोस्ट करता हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इससे ये होता है कि मेरी पोस्ट में बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे एक्टिव होते हैं और मेरी पोस्ट फिर ट्रेंडिंग सेक्शन या फिर हैशटैग्स में रैंक करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी पोस्ट में इंगेज कर रहे होते हैं। फिफ्थ टिप है फोटो या वीडियो को अपलोड करने के बाद मेक श्योर टू शेयर इट ऑन योर स्टोरीज, ताकि अगर इंस्टाग्राम किसी को फीड में नहीं दिखाता है तो वो आपकी स्टोरी के थ्रू देख सकते हैं कि आपने कुछ नया पोस्ट किया है एंड वो फिर आपकी प्रोफाइल में आ सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो स्टोरीज हैं वो अट्रैक्टिव हों ताकि लोग उसमें क्लिक करें। तो अगर आपको क्रिएटिव स्टोरी आइडियाज़ चाहिए हैं तो एक इंस्टाग्राम में अकाउंट है @brownygirl के नाम से, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो अपने रील्स में काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम की स्टोरी की आइडियाज़ डालती है, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। मैं उसकी प्रोफाइल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो गो एंड चेक हर प्रोफाइल। सिक्स्थ टिप इज ट्राई टू क्रिएट सम यूनिक कॉन्टेंट। अगर तुम अपने इंस्टाग्राम में एक कोई भी सेल्फी उठा के डाल दे रहे हो या फिर कुछ भी कहीं की भी पिक्चर उठा के डाल दे रहे हो और अगर तुम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे 1000 likes या 1200 likes आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी तुम्हारी पोस्ट तभी लाइक करेगा जब उसको वो चीज़ यूनिक लगेगी या फिर उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी। एक बार अपनी प्रोफाइल में एज अ विजिटर आके देखो और अपनी पोस्ट देखो कि अगर आप ऐसे किसी एक और बंदे की प्रोफाइल में गए होते एंड आपको ऐसी पोस्ट मिलती तो आप उसको लाइक करते कि नहीं। अगर आपको लगता है कि यार अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आके आपकी फ़ोटो को लाइक करेगा। तो ट्राई करो अपना कंटेंट अच्छा करने का। और मेरी एक लास्ट एक बोनस टिप है वो ये है कि अगर आप छोटे क्रिएटर हो, अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको ये करना है कि आपको लोगों से इंगेज करना है। आपको लोगों की फ़ोटो में लाइक्स एंड कमेंट्स करने पड़ेंगे तभी आपकी फ़ोटो में लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे। दिन के कुछ टाइम निकालो, लाइक दिन में सुबह 10-15 मिनट या फिर शाम को, तो दिन के 10-15 मिनट निकालो एंड लोगों की पोस्ट में जाके उनके पोस्ट में लाइक एंड कमेंट करो। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगी, कि आपको लोगों की पोस्ट में कैसे इंगेज करना है अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में DM कर देना। ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है @thesayangod के नाम से, तो मैं वहाँ पे कोई भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन मैं दूंगा ज़रूर उसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस।